अच्छा टॉक्सिक बिहेवियर मतलब ये टॉक्सिक वर्ड भी आजकल बहुत फैंसी हो गया जैसे हम बात ही कर रहे थे नासा सिस्टम ये सब ये सब वर्ड्स आजकल ऐसे ही लोग फेकर है किसी के ऊपर भी फेक फेकर है ना ये रेड फ्लैग्स भी बहुत चल रहा है ये रेड फ्लैग ये रेड फ्लैग ये रेड फ्लैग तो इसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं कि क्या टॉक्सिक बिहेवियर एक्चुअल में क्या होता है एक्चुअल रेड फ्लैग्स अगर होते हैं तो वो क्या होता है टॉक्सिक बिहेवियर दिस इज वेरी सब्जेक्टिव पहले तो ऑफकोर्स ये फैंसी हो गया है है ना मतलब लोग तो यार तेरी आदत तो बहुत टॉक्सिक है अरे यार मतलब हर इंसान के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में आप जाइए आप दस एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे और अगर पाँच से सात एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है तो आप दुनिया के बेस्ट रिलेशनशिप में है है ना दस में से दस की एक्सपेक्टेशन अगर आप लेके जा रहे हो कि दस के दस फुलफिल होनी चाहिए तो आप टॉक्सिक हो जाओगे वो टॉक्सिक नहीं है जिसमें कमी आए हैं आप टॉक्सिक हो जाओगे कि आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए है ना और दूसरा कि ये व्यक्ति जो है ये जब देखेगा ना कि इन दस में से ये पाँच ही फुलफिल हो रही है और पाँच नहीं हो रही है तो उन पाँच चीज़ों के मामले में वो उसको टॉक्सिक लेबल करेगा कि इस मामले में तो मेरा पार्टनर बहुत टॉक्सिक है वैसा तो जो मुझे नहीं चाहिए वो अगर किसी में है तो वो टॉक्सिक हो गया पर रियलिटी तो ये है कि दुनिया के हर इंसान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं चाहिए तो इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए कि भाई हम परफेक्ट नहीं हैं हमको साथ में रहना है तो हमको नेगोशिएट करना है आपका बच्चा पैदा हुआ और वो वैसा नहीं निकला पढ़ाई में जैसा आप एक पेरेंट चाहता है तो क्या दे नेगोशिएट कि यार पढ़ने में अच्छा नहीं है तो क्या हुआ डांस तो अच्छा करता है ठीक <laughs> है तो हम नेगोशिएट करते हैं ना तो यार मेरा हस्बैंड की ये आदत अच्छी नहीं है तो क्या हुआ घर तो टाइम पर आते ये मेरी वाइफ़ की ये प्रॉब्लम बुरी है तो क्या हुआ शी इज़ लविंग इन केयरिंग तो उसको नेगोशिएट तो करना पड़ेगा ना पर नहीं जो अच्छा है वो तो भाड़ में गया जो बुरा है उस पर लगा हुआ है कि तुम ये ठीक क्यों नहीं करती तुम ये ठीक क्यों नहीं करती ठीक ये ठीक क्यों नहीं करती और वो सामने वाला कर नहीं पा रहा है ठीक तो वो टॉक्सिक हो गया तो मतलब ये भी ऐ, ऐसा बोल सकते हैं कई बार जो लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक 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 टॉक्सिको तो टॉक्सिक बोल रहे हाँ। हो सकता है आप भी टॉक्सिको कई बार आप टॉक्सिक बोल रहे हो यही है है ना दरअसल जो ज्यादा बोल रहा है ना ये टॉक्सिक वो टॉक्सिक टॉक्सिक वो है क्योंकि वो बहुत एक्सपेक्टेशन आपको दुनिया इतनी बुरी क्यों लग रही है यार दुनिया इतनी बुरी थोड़ी ना है कि आपको हर चीज़ में कमियां दिख रही है तो फिर आपका परसेप्शन गलत है इस हिसाब से तो आप सही इंसान नहीं हो क्योंकि आप जिसके भी साथ रहोगे ना आप उसके नाक में दम करोगे वैसा तो ये भी रेड फ्लैग है तो जो भी नेक्स्ट टाइम रेड फ्लैग लिख रहा है कमेंट में आप बोला आप ही रेड फ्लैग हो आप ये पॉइंट नेगेटिवली इतना रेस करो और पॉजिटिव नहीं देख रहे हो अच्छा आई थिंक वही फिलोसफिकल चीज़ें चले जाती है कि आप कैसे हमेशा देखते हो जिंदगी को ग्लास फुल ग्लास सेवेंटी तो जो ग्लास फुल देखने की कोशिश करता है उसे पॉजिटिविटी दिखती भी है वही ग्रैटिट्यूड और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता रहता है लेकिन जितना लोग नेगेटिव की तरफ सोचते रहते हैं उतना उधर पे घुसते रहता है जैसे कि पता है ना आपने लिए लो फ्रिक्वेंसी ईजी भी होता है जाना और ज़्यादातर वहीं लोग जाने की कोशिश करते हैं हमें चाहिए कि हम थोड़ा इस साइड पर आते आते ये मामला पूरा हमारी जो अभी हम बात कर रहे थे कॉन्शियसनेस वाला कि एक व्यक्ति हम में से हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और हम में से हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ, कुछ अच्छा चल रहा है है ना जैसे दस चीज़ें हैं जो जीवन में चल रही है मेरे उसमें फिटनेस भी आ गई उसमें मेरा करियर भी आ गया ग्रोथ भी आ गई उसमें मेरे शौक मेरी हॉबीज़ ये सब आ गई उसमें मेरे पेरेंट्स वगैरह आ गए उसमें मेरे रिलेशन आ गए सब कुछ आ गए अब इन सब चीज़ों में मेरा सिर्फ मेरे पार्टनर वाला जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब चल रहा है तो अगर मैं एक एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस वाला इंसान हूँ जो ग्रेटिट्यूड और डिविनिटी और ये सब एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो क्या बोलेगा कि यार ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट थोड़ी ना होता है उतार चढ़ाव तो चलता रहता है हर चीज़ हर किसी को थोड़ी ना मिलती है वो ये बोलेगा कि देखो उसकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही पर उसको डायबिटीज़ है शायद उसके लिए इस मोमेंट पर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है वो एक ही चीज़ के लिए प्रे कर रहा है कि मुझे डायबिटीज़ ठीक हो जाए देखो उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है पर उसके बच्चे ड्रग्स लेते हैं उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है पर वो कर्जे में है।, है ना तो हर किसी की लाइफ में कोई चैलेंज है तो मेरा चैलेंज ये है तो इट्स ओके तो वो क्या करता है वो बाकी चीज़ों को सेलिब्रेट करता है कि बाकी तो सब अच्छा है ना आई एम हैप्पी ये होता है एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस वाला और जो कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस वाला होता है वो क्या करता है कि उसकी लाइफ में भी ये सब चीज़ें हैं और सपोज़ एक रिलेशनशिप बुरा चल रहा है तो ये व्यक्ति इन सब चीज़ों को भूल जाएगा वो सिर्फ रिलेशनशिप को देख रहा है और वो उसी को दुनिया समझ रहा है उसी को जीवन समझ रहा है और वो ये बोलना शुरू करेगा कि मेरा तो जीवन खराब हो गया ये इंसान के आगे राइट right. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेकआउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीजों को समझो तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीजें अप्लाई कर पाओगे थैंक सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल